मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ। हक महर का पैसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मामा। क्यों समझें कि ये हक महर मेरे आंसुओं की कीमत है। एंड यू नो मामा, इस सब में बहुत सी एनजीओस मेरी हेल्प कर रही है। मामा, आपके अमल को अब अंधेरों से डर नहीं लगता। तुम्हारी जिंदगी के हर अंधेरे में तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ है। मैं जानती हूँ। अच्छा मामा, राफे को तो इस सब के बारे में कुछ नहीं मालूम ना? नहीं, बस उसने कासिम और वासिल को बात करते सुन लिया था कि तुम टीवी पर आई थी, इसलिए मुझसे पूछ रहा था, लेकिन मैंने बात चेंज कर दी। मामा आप प्लीज राफे को इस सब से दूर रखिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा भाई मेरी वजह से परेशान हो। उसके फोन में इंटरनेट तो नहीं है ना? राफे को इंटरनेट यूज नहीं करना होता, उसे कुछ भी सर्च करना होता है तो मुझसे कहता है, बस फोन दिया हुआ है उसे ताकि अकेला परेशान ना हो, इमरजेंसी में मुझे कॉल कर सके। इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे ना मामा, तो मैं राफे को पढ़ने के लिए बाहर भेज दूंगी। वासिल, अब जल्दी आ गए आज? चले अच्छा हुआ जल्दी आ गए। वो भाई के रिहा होने की खुशी में उन्होंने डिनर रखा है, तो वो चाह रही थी हम उनके साथ डिनर करें। जल्दी से चलते हैं उनके साथ खाना खाते हैं, ठीक है? आप फ्रेश हो जाओ, बस मैं भी रेडी हूँ। देखो तुम खुद चले जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। क्या मतलब कि मैं चली जाऊं तुम नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे तुम? उन्होंने इसलिए बुलाया है, वो हमसे सारी नाराजगियां खत्म करना चाहते हैं। हमें जाना चाहिए। मैं सारी फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ना चाहता, और तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मुझे ज़हीन से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम्हारी मॉम को मैं पसंद नहीं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें इस घर में भी होती हैं जो मुझे पसंद नहीं है, बर्दाश्त करती हूँ ना मैं, तुम्हारे खातिर बर्दाश्त करती हूँ ना। असल तुम क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मफाद परस्त। और तुम्हारा भाई वो कौन सा कोई कारनामा अंजाम देकर आया कि उसे अप्रिशिएट करने के लिए जाए? अरे कत्ल का मुकदमा लगा है उस पे, उसने अमल की जान लेने की कोशिश की थी, फिर तो एहसान समझो अमल का कि उसने कुछ किया नहीं, केस वापस ले लिया, वरना अब तक सड़ रहा होता जेल में। वाह, कितना अच्छा बोलते हो ना तुम मेरे घर वालों के लिए। इस कदर नफरत भरी हुई है ना मेरी फैमिली के लिए। एक बात सुन लो, तुम्हारी फैमिली अब क्या है? एक घर, ये तुम्हारी फैमिली है। और भूल गई तुम क्या किया था तुम्हारी माँ ने हमारे साथ, मेरे बाप के साथ? सलूक तो तुम्हारे फादर का भी कुछ अच्छा नहीं था हमारे साथ। देखो बासिल, अगर मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना तो प्लीज प्लीज मुझसे भी कोई तवक्का नहीं रखना। Thank you.
हेलो राफी। हेलो अभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही। क्यों? अच्छा, स्टडीज कैसे जा रही हैं? बहुत अच्छी। अभी, आप पर किसी ने अटैक किया है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमसे किसने कहा? वो कासिम अंकल बात कर रहे थे आज। वो बस ऐसे ही कह रहे होंगे, बिजनेस की कोई बात होगी। तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप देखिएगा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपका बहुत ख्याल रखूंगा। कोई भी मेरी आपी को कुछ नहीं कह सकेगा। राफे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। लेकिन मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। ओके मिस्टर राफे, तुम ना सिर्फ अपनी पढ़ाई की फिक्र करो, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, समझे? हर वक्त पढ़ता ही तो रहता हूँ मैं। गुड, चलो अब सो जाओ और आइंदा फिक्र मत करना, ख्याल रखो अपना। ठीक है आपी, अल्लाह हाफिज़। ये ले मैडम, ये वो पेपर्स हैं जो तुमने कहे थे, और ये वो नाइफ है, ये भी ले आया था। थैंक्स रेहान, तुम नहीं जानते हैं, ये सब देखने के बाद राशिद अपनी सोची हुई हर घिनौनी साजिश में नाकाम हो जाएगा। अमल, एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं उस चूहे का शिकार करने वाली हूँ जो खुद को बहुत बड़ा शेर समझते है। बस किसी मुश्किल में मत फंस जाना। डोंट वरी रेहान, मुझे कुछ नहीं होगा। What a pleasant surprise! अमल और रेहान एक साथ, वाओ। कैसे हो शाज़िम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और ये सब चल क्या रहा है? वैसे मानना पड़ेगा रेहान, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद डैड के ऑफिस में जॉब कर लेना, तब तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट याद आ गई थी। हाँ शाज़िम, तुम कहना क्या चाहते हो? ओ कम ऑन यार, मैं जानता हूँ कितनी चालाकी से तुमने अमल की घर में एंट्री मारी है,